दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, अगर आप अपने फेसबुक आईडी का, फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड कैसे बनाएंगे, या आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड कैसे पता करेंगे, या आप एक नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे। अगर आपका फेसबुक आईडी लॉगिन है फिर भी अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। अगर आपका फेसबुक आईडी कहीं पर भी लॉगिन नहीं है और आप अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन कर रहे हैं तो फिर भी आप अपने आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये आईडी यहाँ पर लॉगिन है, तो लॉगिन है अगर आपका आईडी, तो आप कैसे पता करेंगे, तो आपको सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद सेटिंग के इस आइकन पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने आपका सेटिंग निकल के आ जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आप इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने आपके पासवर्ड और सिक्योरिटी का यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा चेंज पासवर्ड, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फॉरगेट एंड पासवर्ड, तो आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज आ जाएगा। अगर आपका आईडी लॉगिन नहीं है तो आपको कैसे चेंज करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद हम यहाँ पर अपने आईडी को सबसे पहले लॉन्ग आउट कर लेते हैं, यानी कि हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना आईडी को यहाँ पर हटा दिया है। अब अपने पासवर्ड को आप कैसे चेंज करेंगे, तो जैसे आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना लॉगिन टू अनदर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, यहाँ पर आपको पासवर्ड तो पता नहीं है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉरगेटन पासवर्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप फॉरगेटन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट आ जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ से बैक आना होगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका मोबाइल नंबर सर्च करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे, या आपको ईमेल आईडी का नीचे मिल जाएगा तो आप इस पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी से भी आप सर्च करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को डाल देते हैं जो हमारे फेसबुक आईडी के अंदर लॉगिन है, तो हम इस पर डाल के और अपना अकाउंट फाइंड करेंगे, यानी कि सर्च करेंगे। हमारा यहाँ पर अकाउंट आ चुका है, अब यहाँ पर मिल जाएगा लॉगिन, आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप आईडी पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, अब यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और आपका ईमेल आईडी, तो आपके ईमेल आईडी पर एक कोड सेंड किया जाएगा आपके पासवर्ड को नया बनाने का, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर चूज करेंगे अपना, तो मोबाइल नंबर पर आपके सेंड किया जाएगा, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, जो आपके ईमेल आईडी पर कोड आया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, या आपके मोबाइल नंबर पर आया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। 8 अंकों का सेंड किया गया है फेसबुक की तरफ से आपका कोड, तो हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे ईमेल आईडी पर आया है या नहीं। तो अभी यहाँ पर हमारा कोड नहीं आया है और यहाँ पर हमारा कोड आ चुका है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा ईमेल यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा चेंज पासवर्ड, आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। और जैसे आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना ब्राउजर चूज करना होगा, और जैसे आप यहां पर अपना ब्राउजर चूज करेंगे उसके बाद आपके सामने चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे हम यहां पर अपने ब्राउजर पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इंटर ए न्यू पासवर्ड, यहां पर मिल जाएगा क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, यानी कि अब आप यहां पर एक नया पासवर्ड बना लेंगे। तो यहां पर आप एक अपना नया पासवर्ड आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके आईडी का नया पासवर्ड बन जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा, और उसके बाद अपने आईडी को लॉगिन कर सकते हैं कहीं पर भी। तो हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमारा पासवर्ड पता है। तो और आप इस तरीका का यूज करके आप चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।